Hello everyone, let's start with question number 3. So in this, we have to find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. So this is first method you are going to learn to find square roots. So square roots nikalne ke liye repeated subtraction mein kya hota hai? Aapko baar baar odd numbers se isko subtract karte jana hai. Jab tak aapka 0 nahi aa jata. Consecutive odd numbers. जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ही सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाना है और सब्ट्रैक्ट करते जाओगे जब तक आपका 0 नहीं आता तब तक आपको नहीं रुकना। तो सबसे पहले हमारे पास होता है 100, मतलब जो भी जिसका भी आपको निकालना है वो लिखो और फिर फर्स्ट ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। 99, अब 99 को यहाँ पे लिखो, सेकेंड ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। 96, अब 96 को यहाँ पे लिखो, 5 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 91, नेक्स्ट नंबर 91 लिखा, फिर उसके बाद 7 लिखा, 84 आ गया। अब उसके बाद 84 यहाँ पे लिखो, सब्ट्रैक्ट कर दो नेक्स्ट और नंबर से, 9 से, सो इट विल बी 75। अब उसके बाद 75 के बाद वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 11, 64 आ गया। अब 64 के बाद यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट विद 13, सो इट विल बी 51। अब 51 को 15 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 51 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 विल बी 36। अब 36 को सब्ट्रैक्ट कर दो 17 से, सो इट विल बी 19। अब 19 लिखो, उसके बाद फिर 19, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सारी हमारी जो लाइन चल रही है इट इज एक्चुअली कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बार बार आते जा रहे हैं हमारे पास और हमेशा लाइन में ही लेना है, ऐसे नहीं कि एक बार 1 ले रहे हो, फिर 5 ले रहे हो, फिर 9 ले रहे हो, ऐसा नहीं। सो 19 माइनस 9 इज 0। तो अब ये प्रोसेस कितने स्टेप्स में खत्म हुआ है, तो आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने स्टेप्स हमें लग गए यहाँ पे, 10 स्टेप्स लग गए। तो आप 10 लिखो यहाँ पे और उसका इट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 100, जितने स्टेप्स होते हैं वो आपका स्क्वायर रूट बन जाता है। और स्क्वायर रूट का साइन कैसा होता है ये देखो, 100 स्क्वायर रूट इक्वल्स 10। जितने भी आपका प्रोसेस होगा, जितने भी प्रोसेस मतलब जितने भी स्टेप्स होंगे वो आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट। ठीक है, वैसे ही 169 का स्टार्ट करते हैं। 169 को 1 से सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी 168। अब 168 को यहाँ पे लिखो, 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 165। 165 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 160। 160 को 7 से सब्ट्रैक्ट कर दो, इट विल बी 153। अब 153 को 9 से सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी 144। 144 को 11 से सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी 133। 133 को 13 से सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी 120। 120 को 15 से करते हैं, 120 को 15 से करोगे तो 105। 105 के बाद 17 से करना पड़ेगा, सो इट विल बी 88। 88 को 19 से करो, इट विल बी 69। 69 को 21 से करते हैं, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 21, तो 48 आ गया। अब 48 के बाद 23 से करेंगे, सो इट विल बी 25। अब 25 यहाँ आ जाएगा और नेक्स्ट ऑड नंबर की और हो जाएगा 25 और 0 आ गया। अब ये स्टेप्स काउंट करो, देयर विल बी 13 नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इसका मतलब अंडर रूट 169 इक्वल्स 13। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इसको सबको काउंट कर लेना, 13 आएगा, चेक कर लेना खुद भी एक बार। सो अंडर रूट 169 इज 13। सो दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।